नमस्कार। हाल ही में ब्रिटेन के प्रिंस फिलिप का 99 साल की उम्र में निधन हुआ है। शुक्रवार को प्रिंस फिलिप ने विंडसर कैसल में आखिरी सांस ली। पूरे ब्रिटेन में प्रिंस के जाने के बाद से ही माहौल गमगीन है। इन सब के बीच ब्रिटेन से हजारों किलोमीटर दूर दक्षिणी प्रशांत महासागर में एक द्वीप समूह ऐसा भी है जहां पर प्रिंस फिलिप के लिए रस्में अदा की जा रही हैं। इस द्वीप का नाम है वनुआतू। यहां पर आदिवासी रहते हैं। यहाँ के याहो हनानेन आदिवासी प्रिंस फिलिप को अपना भगवान मानते थे, इसीलिए वहां पर प्रिंस को लेकर तमाम रस्में निभाई जा रही हैं। याहो हनानेन आदिवासियों का समूह भले ही प्रिंस फिलिप से कभी ना मिला हो, लेकिन फिर भी वो उन्हें ईश्वर का अवतार मानते हैं। हालांकि इसके पीछे की वजह भी बेहद दिलचस्प है। 60 के दशक में पोर्टे वेले के दौरे पर आए प्रिंस के पोस्टर को इन लोगों ने जब पहली बार देखा था, तभी उन्हें एहसास हुआ कि वो उनके ताकतवर पूर्वजों के अवतार हैं। उन्हें यकीन हो गया था कि उनके पूर्वज ने नए जन्म में किसी विदेशी रानी समेत दुनिया में अपना परचम लहरा दिया, इसीलिए उन्हें वहां पर पूजा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वहां के लोगों में प्रिंस फिलिप को लेकर इतना विश्वास गहराने लगा था कि पूरे द्वीप पर एक तरह से अभियान ही चल पड़ा, जिसके तहत लोग उनकी तस्वीरें रखने और रस्मों के दौरान उन्हें याद करने लगे। इस पूरे अभियान को प्रिंस फिलिप मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। वैसे फिलिप के प्रति आदिवासियों का प्रेम यूं ही नहीं है। इतिहास के पन्नों में ऐसे कई किस्से दर्ज हैं, जैसे कि अगर हम CBS न्यूज की रिपोर्ट की माने तो साल 1974 में प्रिंस फिलिप और महारानी एलिजाबेथ इस द्वीप पर पहुंचे थे। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस दौरान प्रिंस ने आदिवासियों के साथ बैठकर उनका पारंपरिक पेय भी पिया था और नाच में हिस्सा लिया था। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जाता है कि साल 2007 में भी वो खुफिया तरीके से इस कबीले के 5 लोगों से मिले थे। खबरें बताती हैं कि वो इस समुदाय के लिए खूब काम करते थे। अब जाहिर है, भगवान की तरह पूजे जाने वाले शख्स का दुनिया छोड़कर जाना इस समुदाय के हर एक सदस्य को गमगीन कर गया। बता दें, ब्रिटेन से हजारों किलोमीटर दूर वनुआतू द्वीप के आदिवासी 60 के दशक से ही फिलिप से उनकी फसलों में बढ़त और ज्वालामुखी जैसी आपदाओं से बचाने की प्रार्थना करते हैं। प्रिंस के जाने के बाद की रस्मों को पूरे रीति रिवाजों से पूरा किया जा रहा है। इसके तहत वहां पारंपरिक नृत्य किया जा रहा है और प्रिंस को याद करते हुए उनकी यादगार चीजें सजाई जा रही हैं। इस दौरान आदिवासी समूह के पुरुष सदस्य कावा नाम का पेय पदार्थ भी पी रहे हैं, जो वहां का पारंपरिक पेय है। ये किसी उत्सव या फिर जन्म मृत्यु जैसे खास मौकों पर पिया जाता है। ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।